राजनगरी आगरा में पुलिस के हत्थे सातिर बदमाश चढ़ गए। ये अपराधी आगरा में लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध असलों के साथ लूट में प्रयुक्त गाड़ी भी बरामद की। 7 नवंबर को थाना खेरागढ़ के बाजार में दिन दहाड़े बदमाशों ने परचून व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तब मौके से लोगों ने एक बदमाश गौतम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। सातिर अपराधी गौतम जिला अस्पताल से पुलिस हिरासत से फरार होने में इस दौरान सफल रहा था। इस सातिर को पुलिस पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने राजस्थान बॉर्डर के पास से 3 सातिर को मैं 3 अन्य बदमाशों के साथ मुकेश हकीम और सुरेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो पकड़े गए बदमाश रेकी कर लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इन सातिरों ने राजस्थान और यूपी के सरहदी इलाकों में अपना निशाना बना रखा था। किया गया था परचून व्यापारी के यहाँ हुई थी और उसी दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया था पब्लिक द्वारा। उसको मामूली चोटें आई थी, प्राथमिक उपचार हो रहा था, तभी उच्च पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया था। इसको बहुत गंभीरता से आगरा पुलिस ने लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा महोदय द्वारा इस घटना का संज्ञान लेते हुए SP वेस्ट डॉक्टर अखिलेश नारायण के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। उन्होंने बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग इसकी की और क्राइम ब्रांच की जो सिटी टीम थी उसके प्रभारी अनुज व CO खेरागढ़ वीर और साथ ही साथ जो इंस्पेक्टर थे हमारे नरेंद्र जी, इन लोगों ने गंभीर प्रयास करके और हमारी सर्विलांस की पूरी टीम इस टीम को निशाने पे ली। एक अभियुक्त को धौलपुर की सीमा से गिरफ्तार किया गया राजस्थान क्षेत्र से। उसके पास से गाड़ी भी बरामद हुई है और प्लस से असलाह भी बरामद हुआ है। इन लोगों पर काफ़ी गंभीर मुकदमे राजस्थान में कायम है। उन सब मुकदमों की भी हम लोगों के पास सूची आ गई है, उसकी भी अपडेट स्थिति देखी जा रही है। ये बहुत ही सातिर किस्म के अंतर्राज्यीय गिरोह के अपराधी हैं और काफ़ी लूट और गंभीर धाराओं में इनका पूर्व में चालान हो चुका है। ये बड़ी महत्वपूर्ण कामयाबी बहुत शीघ्र पुलिस को प्राप्त हुई है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण इस घटना में है कि वहाँ राजस्थान में चुनाव भी था। इस मद्देनज़र इन अपराधियों पर हम और भी कड़ी निगरानी करेंगे, इनके पूर्व आपराधिक इतिहास को भी विवेचना में समाहित करेंगे ताकि दोबारा ये अपराधी सर न उठा सकें। पुलिस मुठभेड़ में इनके और 3 साथी हमारी गिरफ्त में आए हैं। उन साथियों का इनके नाम है मुकेश और हासिम और सुरेंद्र, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भी असलाहों की बरामदगी किया गया है। ये लोग सब राजस्थान के रहने वाले हैं? राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले हैं और ये बहुत ही सातिर किस्म के अपराधी हैं।